सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में हो रही हिंसा से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदर्शनकारी छात्रों के एक गुट ने कल यानी शनिवार को भारत बंद का ऐलान किया है। बिहार में महागठबंधन की ओर से यह ऐलान किया गया है। हम आपको बता दें कि छात्रों के कई गुट हैं, युवाओं के कई गुट हैं जो इस भर्ती योजना को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हिंसक हो गया है ये आंदोलन, जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। और अब इनमें से एक ग्रुप ने ये कहा है कि कल भारत बंद होगा। बिहार में महागठबंधन ने भारत बंद का समर्थन भी किया है। तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है, अग्निपथ के विरोध में कल भारत बंद का ऐलान। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सासाराम में हिंसा करने के आरोप में कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उपद्रवियों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की और मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी थी और अब इनकी गिरफ्तारी हुई। ये देखिए, हो हल्ला हो हंगामा, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है ताकि इनकी पहचान ना हो सके, लेकिन पुलिस ने इनको पहचान की हुई और इनकी गिरफ्तारी हुई। 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक इस पूरे मामले में 25 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है। ये सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवक हैं जो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं सरकार के फैसले के खिलाफ, अग्निपथ योजना जो है उसकी ये खिलाफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका अपना रहे हैं ये गलत है, इसको सही नहीं कह माना जा सकता। खुद रेल मंत्री ने कहा है कि ये संपत्ति आपकी है, आपकी सेवा के लिए है, अगर आप इसमें तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं तो ये आपका नुकसान है। और ये विरोध करने वाले लोगों को समझना होगा कि ये पूरे देश की संपत्ति है, विरोध करने का ये तरीका ठीक नहीं है। किसान आंदोलन से सीख लेनी चाहिए। ये आज की सासाराम की तस्वीरें, हो हल्ला हो हंगामा, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है ताकि इनको पहचाना ना जा सके, आगजनी की जा रही है, पुतला फूका जा रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी वापस लो, ये पोस्टर बैनर्स के साथ, प्ले कार्ड्स के साथ पूरा विरोध चल रहा है। 200 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई हैं, 35 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, 27 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में। ये जो भीड़ हिंसक हुई है, ये जो आंदोलन के नाम पर इस समय हिंसा भड़काई जा रही है, उसको लेकर प्रशासन सख्त। अग्निपथ के खिलाफ थम नहीं रहा संग्राम। बिहार के छात्रों में उबाल, स्टेशनों पर सबसे ज्यादा बवाल। ट्रेन बन रहे निशाना, रेलवे को बड़ा नुकसान। बिहार, यूपी और तेलंगाना तक ट्रेन पर निकल रहा गुस्सा। ट्रेन को निशाना बनाने से मिलेगी नौकरी। अग्निपथ के विरोध में हिंसा और पत्थरबाजी क्यों? सरकारी संपत्तियों को जलाने से मिलेगा समाधान? और हम आपको बता दें कि सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना, अग्निपथ के खिलाफ गुस्साई युवाओं की ओर से देश भर में बवाल और हिंसा लगातार जारी है। करीब करीब 10 से ज्यादा राज्यों में प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। कल की तरह ही आज भी बिहार विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक के बाद एक कई जिलों में रेलवे को बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है तो ट्रेनों में आग लगाई गई है। छात्रों के इस हिंसक हो चुके प्रदर्शन की वजह से रेलवे को अभी तक करोड़ों का नुकसान हुआ है। नतीजतन रेलवे ने कई ट्रेन को परिचालन जो था उनका रद्द कर दिया है। बिहार में तो हजारों रेल यात्री फंसे हुए हैं, तो तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुई हिंसा में एक शख्स की जान चली गई है। तो ये तस्वीरें तमाम राज्यों से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड, लगभग 8 से 10 ऐसे राज्य जहां पर ये जो प्रदर्शन है ये उग्र हो गया है, हिंसक हो गया है और जगह जगह पर रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, रेलवे की जो संपत्ति है उसको निशाना बनाया जा रहा है।
तेलंगाना के सिकंदराबाद में अग्निपथ के विरोध में भारी हिंसा हुई है। सिकंदराबाद से हिंसा की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पत्थरबाजी की है तो दूसरी तस्वीर में ट्रेन धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। ट्रेनों की बोगी के भीतर तक आगजनी के सबूत साफ दिख रहे हैं। ये पूरी ट्रेन जलकर खाक हो चुकी है। सिकंदराबाद में इस कदर हंगामा हुआ कि फायरिंग तक करनी पड़ी पुलिस को, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। पत्थरबाजी के चलते चार लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। अग्निपथ योजना का ये विरोध कर रहे हैं ये युवा, सड़कों पर उतरे हुए हैं। दो साल से सेना में भर्ती नहीं हुई है, इंतजार चल रहा था। हालांकि आज सरकार ने उम्र सीमा, आयु सीमा जो है वो इस साल के लिए बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। जो आयु सीमा 21 साल कही जा रही थी वो इस साल के लिए 23 साल कर दी है सरकार ने। लेकिन उसके बाद भी युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और मांग एक ही है कि इस योजना को वापस लीजिए। यहाँ एक बात और समझनी होगी कि रेलवे की प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हमारी आपकी प्रॉपर्टी है, खुद उन लोगों की प्रॉपर्टी है जो इसको जलाने पर लगे हुए हैं। 200 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों से अपील की है। क्या कुछ कह रहे हैं रेल मंत्री, क्या अपील कर रहे हैं, सुनिए आप। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। सरकार की अग्निपथ योजना पर लगातार जो युवा हैं, जो सेना में भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो विरोध में युवा जिस रास्ते को अपना रहे हैं, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रेनों में आग लगाकर नौकरी मिल सकती है। और हम आपको बता दें कि स्टेशन पर जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, क्या उससे कोई समाधान निकल जाएगा? रेलवे की संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाकर युवा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहा दिया जा रहा है? बिहार के सासाराम में तो पुलिस के ऊपर गोली तक चलाई गई है। ये कौन से ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस विरोध के नाम पर पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं? अलीगढ़ की बात करें तो बस में वहां पर आग लगा दी गई। दरभंगा में एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। जहां जहां विरोध हो रहा है, सड़क और रेल मार्ग पर आवाजाही ठप पड़ी है। रास्ते में फंसे छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, स्कूल से निकले हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये विरोध के नाम पर हो रही हिंसा के दर्द की तस्वीरें हैं जो इस समय हम आपके टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ का विरोध और बिहार में बवाल मचा हुआ है। लखीसराय, समस्तीपुर, बक्सर, बेगूसराय, आरा, दानापुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि केंद्र में है इस पूरे विरोध प्रदर्शन के। और दिक्कत ये है कि इसके चलते हुए लगातार ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। जो राष्ट्रीय संपत्ति है, रेल संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे साथ मेरी दोस्त सहयोगी निधिश्री झा जुड़ रही हैं और मनोज्ञा जुड़ रही हैं। निधिश्री, आपसे मैं स्टेटस जानना चाहूंगी, आगजनी की जा रही है, जो कुछ इन आंदोलनकारियों या इन विरोधकर्ताओं के हाथ में आ रहा है उसको सबको आग लगा दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है और पुलिस क्यों चुपचाप बैठी हुई है? सवाल ये भी बड़ा है जी। बिल्कुल शोभना, देखिए मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगी कि कल प्रदर्शन का पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। कल ही पुलिस को सचेत हो जाना चाहिए था, क्योंकि जगह जगह जिले जिले से जो तस्वीरें आ रही थी वो कल से ही सचेत करने वाली थी। लेकिन आज की जो तस्वीर है, बिल्कुल मामला सर के ऊपर बह चुका है। और वो जो हम जिक्र कर रहे थे कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट संपत्तियां भी हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि किस कदर बिहार के अलग अलग जिलों में तबाही मचाई गई है। ये इस वक्त दानापुर स्टेशन के बाहर कार जो आपको खड़ी दिख रही है, ये अब कार नहीं है, बिल्कुल ढांचा है और ऐसी जली है कार की, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। मतलब इंसान इसमें से बचाए भी तो क्या बचा है। और ये देखिए जरा, इस मेरे कैमरा पर्सन विशाल रहे आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे कि चारों तरफ जहां जहां देखेंगे वहां वहां सिर्फ कार जली हुई है। और लोगों को, आम लोग किस तरह परेशान है। राहुल है इस वक्त, राहुल ये आपकी कार है? हाँ, ये मेरे पापा की कार है। मेरे पापा सुबह आए थे ड्यूटी का, जो उनका टाइम होता है उस समय आए थे। उन्होंने अपना गाड़ी बाहर लगाया, अपने गए अपने ऑफिस के कार्य में। फिर जब उन्होंने चला पता तो वो बाहर आकर देखा तो पूरी कार जल चुकी थी हमारी, कुछ नहीं बचे थे इसमें। और ये कार 5 साल अप्रॉक्स पुरानी होगी, लेकिन इसमें आम आदमी की क्या गलती थी जिस कारण से इनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसकी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी गाड़ी के? पूरी इसकी जीरो हो चुकी है, अब तुम्हारे पैसे कुछ बची नहीं है। आज उसके जो पैसे लगेंगे, जो भी लगेगा, वो तो कॉस्टिंग तो मेरे आम आदमी पे गिरा ना। इसमें क्या, इसमें क्या करते हमारी ड्यूटी कर रहे हैं? आम आदमी को कॉस्टिंग जो है उसकी भरपाई देनी पड़ेगी। अब जरा इस हिस्से में लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिस्से में उपद्रवी आए और संपत्तियों को नष्ट किया। जरा निधिश्री, आम लोगों से ये भी पूछिए कि ये जो गुस्सा है इसके लिए अग्निवीरों को ही सिर्फ जिम्मेदार मान रहे हैं या इनको सरकार की भी कमी नजर आ रही है कि जो स्टेक होल्डर्स है उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये भी पूछिए। फिर मैं मनोज्ञा का रुख करूंगी फटाफट।
शोभना देखिए, जिनकी कार जली है वो वहां से निकल गए हैं क्योंकि उनको देरी हो रही थी, उनको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना था। लेकिन ये देखिए जरा, ये आपको मैं सामने की तस्वीर दिखाना चाहूंगी और इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर दिखाना जरूरी हो जाता है। दूसरे हिस्से में अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए सरकारी जीप है और संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 6 उस एसी की बोगियां हैं वो जला दी गई हैं और 8 इंजन, इस सिर्फ और सिर्फ दानापुर स्टेशन की बात करें तो 8 इंजन यहां पर जला दिए गए हैं और इस तरीके की स्थिति है। ये देखिए सामने जितनी बाइक यहां खड़ी थी, ट्रेन की तस्वीर हम पहले ही दर्शकों को दिखा चुके हैं और जो बाइक प्राइवेट लोग यहां पर खड़ी करके गए थे उनकी बाइक जला दी गई है, जीप जो यहां खड़ी थी, तो इस तरीके की तस्वीर है। जीआरपी और आरपीएफ दोनों इस वक्त जो है वो आंकड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है निधि श्री, एक आम आदमी की पूरी आयु निकल जाती है गाड़ी खरीदने में, घर बनाने में। इस तरह से अगर आगजनी की जाएगी इन आंदोलनकारियों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा, तो गलती किसकी? मनोज, आप जहां पर खड़ी हैं वहां क्या हालात इस समय? हालात बहुत खराब हैं क्योंकि अगर मैं कहूं हावड़ा स्टेशन पर इस समय ट्रेन एक के बाद एक रद्द होती चली जा रही है। बोर्ड आपको दिखाती हूं शोभना, सबसे पहले बोर्ड पर लगातार बताया जा रहा है कि 6 ट्रेन से ज्यादा रद्द हो चुकी हैं और अगले कुछ घंटों में कौन सी ट्रेन जाएगी या नहीं जाएगी इसका बार बार समय परिवर्तित करके लिखा दिया जा रहा है। अब दूसरी बात आपको बता देते हैं, अभी 4:50 के आसपास राजधानी को जाना है लेकिन राजधानी भी अभी निकलेगी कि नहीं ये नहीं पता है क्योंकि ट्रेन खुलेगी कि नहीं ये भी बड़ा सवाल है। आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या? लेकिन हम तो आसनसोल जा रहे थे और हम मेरा 3 ट्रेन कैंसिल हो गया। लेकिन मैंने जो सुना अग्निपथ स्कीम के जो प्रोटेस्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए ट्रेन कैंसिल हो रहा है, ट्रेन जला दिया जा रहा है। देखिए ट्रेन जलाने को हम लोग सपोर्ट नहीं करते लेकिन ये जो अग्निपथ स्कीम है ये तो एंटी यूथ स्कीम है, इस स्कीम के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट करने का तरीका सही है? नहीं, प्रोटेस्ट करने का तरीका सही नहीं है। ट्रेन जलाना प्रोटेस्ट हो और कोई भी आवाज अगर उठानी हो, लेकिन आपको ये बता दें कि छात्रों के लिए हो रहे प्रदर्शन के लिए यहाँ पर छात्र ही परेशान हैं और ये सारे वो छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं, आज परीक्षा देकर लौटे हैं, बाहर वापस भी बिहार जाना था। क्या हुआ स्थिति, अभी कहाँ फंसे? मैम हम लोग 13 तारीख को शाम में आए थे और 15, 16, 17 एग्जाम था, 3 दिन, आज 17 है। हम लोग का ट्रेन जो है सो एगो 1 बजे था, एगो जो है सो 2 बजे था। हम लोग सोच रहे थे उसमें बैठेंगे और चल जाएंगे अपना रूम पे, पटना में रहते हैं हम लोग, पर ट्रेन कैंसिल हो गया। अब इंतजार में है कब ट्रेन मिलेगा तो हम जाएंगे। जिस तरह की स्थिति हो रही है सड़कों पर आगजनी की, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए था, प्रोटेस्ट अपनी जगह ठीक है लेकिन तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए था। गलियों में तोड़फोड़, घरों में तोड़फोड़, गाड़ियां तोड़फोड़, ये गलत है। उसमें हमको लगता है ऐसा करने वाला स्टूडेंट नहीं होगा, कुछ दूसरा ही होगा। कौन है वो ये तो नहीं बता सकते, स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा जी। इसके पीछे भी राजनीति, आप लोग सब हैं यहाँ पर, कितना परेशान? ट्रेन नहीं, पैसा वैसा बचा है कि सब खत्म हो गया? पैसा देख ही रहे हम लोग, विशाखापट्टनम से घूमते आ रहे हैं, आना जाना विशाखापट्टनम समझ रहे, रहना भी था। इतना पैसा हम लोग के पास रहता तो नौकरी मांगते हैं क्यों इनसे? बिल्कुल बिल्कुल, समझा जा सकता है इन छात्रों की परेशानियों को, इन आम आदमियों की परेशानियों को, लेकिन जो युवा इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं उनके भी अपने सवाल हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। बिहार के दानापुर में कैसे हुआ जबरदस्त बवाल, हमारी सहयोगी निधि श्री झा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को आप देखिए और हालात का अंदाजा लगाइए। और ये एक तस्वीर है रेलवे स्टेशन की, किस तरह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है आज की तारीख में। ये मैं पटना में मौजूद हूं और ये आपको दिखा रही हूं। एक तो ये कमरा है जिसे आप देख रहे हैं, चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ये कमरा था, इसको पूरा तहस नहस किया गया है। दूसरी तस्वीर यहां नजर आ रही है, ये रेलवे स्टेशन है, पटना का दानापुर स्टेशन है और इस स्टेशन के अंदर कई बाइक गाड़ियां मौजूद थी और उन गाड़ियों की किस तरह भयानक स्थिति है ये जरा देखिए। अंदर अभी भी आग की लपटें हैं, आग धू धू करके जल रही है और ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। दर्जनों बाइक, मैं कहूंगी अगर मैं गिन सकती हूं तो 1 दर्जन से ज्यादा बाइक यहां पर नजर आ रहे हैं और इन सभी बाइक को जला दिया गया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। यहां पर इस जगह पर खड़ा रहना मेरे लिए भी मुश्किल है लेकिन दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाना जरूरी है। वो प्रदर्शनकारी जो आग लगाकर चले गए, जो जिन्होंने सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया, उन्हें लगा कि अब उन्हें तसल्ली मिल गई, वो जरा इस तस्वीर को देखिए। जरा सोचिए कि जिन लोगों ने ये प्राइवेट बाइक्स एक जगह पर लोगों ने रखा था और इस स्थिति, इस कमरे की जो स्थिति है, बिल्कुल यहाँ मलबा बना पड़ा है, जितनी बाइक्स यहाँ पर थी बिल्कुल मलबे जैसी स्थिति है।
और रेलवे स्टेशन के अंदर अगर एक कमरे में आग लगा दी जाती है तो एक बड़ा सवाल रेलवे प्रशासन पर भी उठता है। रेलवे प्रशासन पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन के लोग कर क्या रहे थे जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र आए और यूं बिल्कुल एक चुटकी में एक पूरे के पूरे कमरे को तबाह कर दिया। अब अगर इस हिस्से को मैं दिखा सकूं, क्योंकि हर एक हिस्से से वो तस्वीर पहुंचनी चाहिए लोगों तक जो ये समझते हैं कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान करना बड़ा आसान है। ये देखिए जरा, इस तरीके के कबर्ड्स थे, ये सभी रेलवे संपत्ति है। ये चूंकि हर रेलवे स्टेशन पर जब आप जाएंगे तो ये बोर्ड्स लगे होते हैं ताकि लोग अपने मोबाइल चार्ज कर सके किसी इमरजेंसी केस में, उसको भी तोड़ दिया गया है। इस तरीके के जो कबर्ड्स जो अलमेरा बना हुआ था उन सबको तोड़ दिया गया है। और ये देखिए, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन कमरा था, इसमें भी तोड़ फोड़ की गई है। ये इस तरीके की तस्वीर है जो मुझे यहाँ नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से लगातार मैं तस्वीरें तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी पंकज से मैं कहूंगी कि जरा इस हिस्से की तरफ लेकर चले और ये दिखाएं कि रेलवे स्टेशन दानापुर जंक्शन पर सामने एक ट्रेन आपको नजर आ रही है जो बीते 2 घंटे से इसी तरीके से धू धू करके जल रही है। और ये एक हिस्सा है जहां पर ट्रेन है, दूसरे हिस्से पर तमाम वो यात्री हैं जो अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी, ये देखिए जरा, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन दानापुर स्टेशन जो है वो बिल्कुल मलबा बना पड़ा है। ये एक हिस्सा है, ये मोबाइल चार्ज करने वाले जो बोर्ड थे उन सभी को भी फिलहाल तोड़ दिया गया है। इस तरीके की स्थिति है, ये देखिए जरा, इसे आप क्या कहेंगे? इस तरीके की स्थिति अगर छात्र करते हैं तो क्या वाकई उन्हें छात्र कहा जाएगा? उन्हें प्रदर्शनकारी क्यों ना कहे, उन्हें उपद्रवी क्यों ना कहे? क्योंकि इस तरीके की स्थिति जिसने की है वो कम से कम छात्र तो नहीं है, वो कम से कम सेना में भर्ती तो नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि सेना में भर्ती होने का मतलब सीधा सीधा अनुशासन है जिसकी कमी आज की तारीख में नजर आ रही है। अपने सहयोगी पंकज के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज दानापुर बिहार। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्थिति कितनी विकट है और किस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू ने युवाओं से हिंसा न करने की अपील की है। वीएस राजू से बात की हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ने, सुनिए क्या कर रहे हैं अपील। आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या संदेश और किस तरह से समझाएंगे इन युवाओं को जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस स्कीम को या समझा नहीं पाए उन युवाओं को? मेरा मैसेज ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट की सिलसिला चालू हो चुका है, अगले 2 दिन के अंदर इसके बारे में हमारी जो रिक्रूटमेंट का वेबसाइट है उसके अंदर साफ सुथरा सब अनाउंसमेंट होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके बारे में अनाउंसमेंट होगा। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पिछली 2 साल में कुछ नौजवान जो इनएलिजिबल हो गए थे बिकॉज ऑफ एज, उसके बारे में हमने सोच विचार करके आज सुबह ही उसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि जो अपर एज लिमिट एज ए वन टाइम एक्सेप्शन 23 साल किया जाएगा 21 की वजह से। और इससे फायदा यह है कि हर नौजवान जो पिछली कुछ सालों में जो तैयारी कर रहे थे उन सबको अपॉर्चुनिटी है। सो मैं चाहता हूं कि अपना अपना गांव में जाइए, शहर में जाइए और रिक्रूटमेंट की तैयारी करिए। कंपटीशन होगा बट मुझे यकीन है कि जो मेहनत करेगा वो फौज के अंदर अग्निवीर बन के आ सकता है। सर, एक और सवाल खड़ा हो रहा है इस स्कीम को लेकर, काफी सवाल भी खड़े हुए इसको लेकर कि क्या अब जो सेना है वो क्या नौकरी का विकल्प नहीं है, रोजगार का विकल्प नहीं है? आप सिर्फ देश की सेवा सुरक्षा के लिए आइए और आप उसके बाद किसी दूसरी जगह पर नौकरी अगर चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं तो चले जाएं। देखो, अपॉर्चुनिटी 3 किस्म के लोगों के लिए है। अग्निवीर के लिए है जो 4 साल के अंदर जो फौज के अंदर आना चाहता है, एक सोल्जर की नौकरी करना चाहते हैं और उसके अंदर जो 25% आदमी जो हम रखना चाहते हैं, जो फिजिकली फिट है, जो जो उसको एप्टीट्यूड और एटीट्यूड फौज के लिए सही है, हम उसको रोकेंगे, वो परमानेंट सोल्जर बनेगा। जो बाकी 75% जो है वो सोसाइटी के अंदर जाएंगे और इस 4 साल के अंदर उसको हमने 4 साल का एक्सपोजर दिया है, एक्सपीरियंस दिया है ये मानकर चलिए, और ये 4 साल के अंदर उसको 11.72 लाख तनख्वाह मिल रहा है, तकरीबन 11.71 सेवानिधि की पैकेज मिल रहा है। सो अगर 18 साल में अगर बच्चा आ चुका है तो 22 साल के अंदर वो निकल रहा है।
सो अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकता है, खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो 12 लाख कम नहीं है एक धंधा चालू करने के लिए। अगर वो आगे कोई गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है या प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उधर भी जा सकता है। सो कहने का मतलब है उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी 4 साल के बाद होगा। और आज का दिन में सिविल के अंदर एम्प्लॉय करने के लिए क्या देखते हैं, एक फिजिकली फिट हो, मेंटली साउंड हो, डिसिप्लिन्ड हो, लॉयल हो, ये सब खूबियां हमारी जवान के अंदर है। सो मेरे हिसाब से किसी को कोई मतलब संकोच नहीं होना चाहिए अग्निवीर बन के आने के लिए। और 4 साल की नौकरी के बाद अगर जिसको रहने का मौका मिलता है वो रहे, और जो बाहर जाता है तो उसको एक अलग ही दुनिया खुल जाएगा। तो थल सेना उप प्रमुख ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप लोगों का ये गुस्सा ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, इससे आपको फायदा होगा। 4 साल का एक्सपोजर सेना के द्वारा आपको दिया जाएगा और फिर आपको कोई भी नौकरी मिलेगी। अग्निपथ पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर अभी तक का अपडेट क्या है वो फटाफट आपको हम समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए अग्निपथ के खिलाफ 10 राज्यों में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। सिकंदराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि पुलिस के ऊपर इस भीड़ के द्वारा फायरिंग की गई। सिकंदराबाद में आगजनी से लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ है राष्ट्रीय संपत्ति का। बिहार में जगह जगह ट्रेनों में आग लगाई गई, 6 जगह पर इस तरीके की आगजनी की गई जहां पूरी पूरी ट्रेन के डिब्बों में आग लगाई गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर में तोड़फोड़ की गई इन युवाओं के द्वारा। सासाराम में बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, बाथरूम तोड़ दिया गया, जो कुर्सी मेज वहां पर मौजूद थे सबको तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, वहां भी जबरदस्त हो हल्ला हो हंगामा इस भीड़ के द्वारा किया गया। देश भर में लगभग 200 ट्रेनों के ऊपर असर आया है, या तो ट्रेन को रद्द करना पड़ रहा है, 35 के करीब ट्रेन हैं जिनको रद्द करना पड़ा है, ट्रेनें देरी से चल रही हैं, स्टेशन पे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, भीड़ जुट गई है अग्निपथ के खिलाफ। कल भारत बंद का आह्वान भी इन युवाओं के द्वारा किया गया है। 2 दिनों के बाद सेना की भर्ती की प्रक्रिया का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन युवाओं का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जगह जगह आगजनी की जा रही है। और देखिए बिहार की अगर हम बात करें जो कि केंद्र बना हुआ है इस पूरे विरोध प्रदर्शन का, वहां पर बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी के जो दफ्तर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये बेतिया बिहार से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनके घर पर पथराव किया गया। वारसलीगंज बिहार की तस्वीरें देखिए कैसे आगजनी की गई, बीजेपी दफ्तर में अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई सासाराम में। तो बिहार जो कि केंद्र बना हुआ है जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, वहां परिस्थिति विकट होती जा रही है, लगातार ये विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव दिखाई दे रही है। कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि इस हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारियां हुई हैं, FIR दर्ज की गई हैं। और हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवा आखिर क्यों भड़के हुए हैं, खुद उन युवाओं की जबानी सुनिए, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को। पुरानी भर्ती का नियम था, हम लोग वही भर्ती चाहिए। हम लोग का सीई जो एग्जाम है 2 साल से हम लोग लड़का लोग को तबाह करके रखे हुए, कभी कोरोना है कभी है, हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल एग्जाम 2 साल से 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है, उसके बावजूद जो हम लोग का एग्जाम बचा वो एग्जाम भी कैंसिल हो रहा है, हम लोग क्या करें इसको बताइए। हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, NCC करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है, उस बार हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में दे तो हम क्या करेंगे, गार्ड का जॉब करेंगे, गार्ड के नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। फिजिकल और मेडिकल सर क्लियर है, हमने 1.5 साल पहले आज से सर फिजिकल क्लियर करवाया था सर, हम 1.5 साल प्रैक्टिस करते हैं सर, रनिंग करते हैं कि फिजिकल निकल जाए, हमने सर फिजिकल निकाला है, हमने मेडिकल सर बिल्कुल क्लियर किया, अब हमारे डेट दे के हमें सर अब बोल रहे हैं लास्ट टाइम पे कि हमारा रिटर्न जो है वो नहीं होगा, हमारी जो प्रीवियस भर्ती थी वो कैंसिल कर दी गई है सर, हम उसके खिलाफ हैं और हम सर TOT के खिलाफ है सर, 3 साल हमने NCC में किया, मैंने
सर रिपब्लिक डे परेड की है दिल्ली में, 3 साल वहाँ पे लगाए, अब हम 4 साल के लिए सेना में जाकर क्या करेंगे सर? हमें सर पैसा नहीं चाहिए सेना से, हमें वर्दी चाहिए सेना की जो हम पूरी उम्र के लिए डालना चाहते हैं सर। 1.5 साल से हमें सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है और अब बोल रहे हैं लास्ट में जाकर कि आपका रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा और आगे TOD स्कीम लागू की जाएगी। सर हमने तो पहले वाले तरीके से रिटर्न फिजिकल दिया हुआ है और अब हमें ऐसे पहले हमें जान से दे रहे थे कि आपका रिटर्न हो जाएगा कोरोना है सर, अभी बहाने बना के अभी ये बोल रहे हैं हम कैंसिल कर देंगे सर। सर ये कोई अन्याय किया जा रहा है सर, हमारे साथ युवा के साथ खेल रही है BJP की सरकार सर। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और अगर ये युवा बेरोजगार ना होते तो इस तरीके की आगजनी ना करते, इस तरीके की दिक्कत शायद पेश नहीं आती। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष उग्र प्रदर्शन पर उतारू हो चुके युवाओं का समर्थन कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग योजना का बचाव करते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे। अग्निपथ स्कीम ला करके बेरोजगारी का पथ तैयार कर दिया, नौजवानों में गुस्सा है। आखिर 4 वर्षों के बाद जो शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग लेगा वो फिर जब लौट कर आएगा तो 75% नौजवानों को नियुक्ति कहीं होगी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो उस उम्र में जब शस्त्र चलाने की वो ट्रेनिंग लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, आग लगाएंगे? और जो पूंजीपतियों उद्योगपतियों के मॉल में संस्थानों में 25% वहाँ पहरेदारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे और ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज रखा गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो। साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हमारा गृह मंत्रालय, जिन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे, तो उसमें विवाद कहां रहा? और देश का युवा यह भी पूछ रहा है सरकार से कि अभी नौकरियां नहीं है तो जब 4 साल बाद निकलेंगे तो अचानक कहां से नौकरियां मिलने लगेंगी। प्रदर्शन के बीच सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख इस योजना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनना बेहद जरूरी है। आप समझिए, अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत है तो फिर आप आंदोलन कीजिए, लेकिन हिंसा का आंदोलन नहीं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि स्कीम को बड़े स्मूथ और सीमलेस तरीके से हम इम्प्लीमेंट किए करेंगे और इसके होते हमारी ऑपरेशनल क्षमता में कोई कमी ना आए। हम अपने यूनिट्स में सही संख्या में बॉर्डर पर इन अग्निवीर्स को डिप्लॉय करेंगे और इस संख्या में या क्षमता में आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं आएगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरम्भ होगी। तो सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ये समझाने की कोशिश इस देश के युवा को कर रहे हैं जो सेना में भर्ती होने चाहते हैं कि देखिए ये आपके लिए फायदेमंद है। एबीपी न्यूज भी कुछ सवाल खड़े कर रहा है, जिस तरीके से हिंसा आज भड़की है उसको लेकर एबीपी न्यूज पहला सवाल पूछ रहा है कि क्या ट्रेन जलाने से इन युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? जो युवा इस तरीके की आगजनी कर रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, देश की संपत्ति को आखिर नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? ये आपकी और हमारी दोनों की संपत्ति है। ट्रेन फूंकने वाले क्या सेना में जाने के लायक हैं? क्योंकि जब आप राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे तो आप देश की क्या रक्षा करेंगे? क्या छात्रों को हिंसा के लिए बरगलाया गया है या इस तरीके का ये जो छात्र आंदोलन है वो एक अलग ही तरीके से आगे बढ़ता है? क्या आंदोलन के पीछे राजनीति है? क्या विपक्ष इस पूरे मुद्दे को कैश करने की कोशिश कर रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ABP News आपको रखे आगे।